जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल एक धरोहर जिसने अनगिनत लोगों का उपचार किया, जहां 10,000 से ज्यादा पेशेंट रोज ओपीडी में आते हों, वहां 2,490 बेड के अतिरिक्त 1,200 बेड और चाहिए थे। इस जरूरत को पूरा करने के लिए अब बनाई जाएगी 24 मंजिल की इमारत। 25,000 स्क्वायर मीटर जमीन के अंश पर बनना है देश का अब तक का सबसे ऊंचा अस्पताल, SMS IPD टावर। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है SMS अस्पताल को अत्याधुनिक बनाया जाए। इस सपने को साकार कर रहे हैं नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट और डिजाइन तैयार किया देश के नामी आर्किटेक्ट डिजाइनर श्री अनूप बर्तरिया ने। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। ये IPD टावर बनाया जाएगा करीब 1,000,000 स्क्वायर फीट में। इसकी लागत आएगी करीब 588 करोड़ रुपए। प्रदेश की इस सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई होगी लगभग 116 मीटर। राजस्थान में पहली बार किसी बिल्डिंग के ऊपर बनाया जाएगा हेलीपैड, जहां होगी हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सुविधा। वहां से मरीज को सीधे OT या ICU में ले जाया जा सकेगा। इस IPD टावर के वार्ड व कमरों की साजो सज्जा और सफाई हाइजेनिक और स्वच्छता का विश्वास दिलाएगी। यहां होंगे 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर, 20 OT और डायग्नोस्टिक सुविधा आदि। साथ ही इस IPD टावर में एक मेडिकल साइंस म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जहां पर लोग मानव शरीर के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। अपने कर्तव्य के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज व अन्य चिकित्सा कर्मियों के सम्मान में IPD टावर के सामने बनाया जाएगा एक मेडिकल मार्टियर मेमोरियल। IPD टावर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस की बिल्डिंग अत्याधुनिक होगी। कार्डियक सेंटर में 5 कैथ लैब, 5 ऑपरेशन थिएटर और उच्च तकनीक की सुविधाएं होंगी। डॉक्टर सुधीर भंडारी की अथक प्रयास भी साकार रूप लेने वाले हैं। इस ऐतिहासिक भवन में 1,200 बेड बनने वाले हैं, जो इस भवन की जरूरत को पूरा करेंगे। इसमें 792 जनरल वार्ड, 166 ICU, 242 अत्याधुनिक रूम होंगे। कार्डियक सेंटर IPD टावर की बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। बिल्डिंग को पूर्णतः ऑटोमेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर का फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंग को अत्याधुनिक बनाएगा। इस भवन में एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल का ही उपयोग होगा।
ये भवन देश विदेश की मेडिकल और बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करेगा।